पूरे प्रदेश में लगातार मरीजों की संख्या में हो रही वृद्धि से सतर्क होकर प्रयागराज में अब 250 कमरों का एक नया कोरिशियन सेंटर का निर्माण किया गया है, जहां पर हर तरह की जांच की व्यवस्था होगी और रोगी की रिपोर्ट अगर पॉजिटिव होगी तो उसे तुरंत हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा और उसके संपर्क में आने वाले लोगों को वहीं पर 15 दिन तक निगरानी में रखा जाएगा। पर यह कोई हॉस्पिटल में बने वार्ड नहीं है, ये पूरा का पूरा एक मोहल्ले में बनाया गया है, जो कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण के द्वारा निर्मित प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 325 भवनों का पूरा आवासीय परिसर है और इन भवनों को अभी कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों या संभावित मरीजों को रखने और उनके संपर्क में आने वालों पर नज़र रखने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। प्रयागराज में हमने सस्पेक्ट को हमेशा अलग रखने की एक जो निर्देश थे उसी क्रम में हमारे पास बेली मनोदास आई हॉस्पिटल टीवी सपरू मेडिकॉल इन सब जगह सस्पेक्ट को इलाज करने के लिए प्राइवेट कमरे हमने चिन्हित किए थे। सस्पेक्ट को अलग ही रखा जाना है, जिस कमरे में बाथरूम हो वो सबसे मिले ना। ये संख्या हमारे पास करीब 60 के आसपास थी, सीमित थी। मुझे ऐसा लगा, डीएम साहब को भी ऐसा लगा कि प्रयागराज भला जिला है, दूसरा दाएँ अगल बगल जिले के भी लोग आएंगे तो चांस की बात है। हमारे पास प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने करीब 250 फ्लैट बनवाए हैं कलंदीपुरम में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, वो भी खाली है तो उसको हमने फिलहाल सस्पेक्ट के लिए बनाया आइसोलेशन रखा है। जो भी सस्पेक्ट होगा उसको पहले हम वहाँ एडमिट करेंगे, रखेंगे, वहाँ पर उसकी सैंपलिंग होगी, वो एक अलग कमरे में रहेगा। जब उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, अगर नेगेटिव रिपोर्ट आई है तो उसको हम 14 दिन का क्वारंटीन के साथ उसको वहाँ से डिस्चार्ज कर देंगे या उसको छोड़ देंगे, और अगर कहीं उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी तो फिर उसको हमारे पास L1 कोविड अस्पताल है जो कोटवा में है वहाँ पर भर्ती करेंगे, या फिर बेली अस्पताल जो Level 2 का अस्पताल है, या सारण Level 3 का अस्पताल है, उसकी जो भी स्थिति उसमें होगी उस अनुसार उसको हम वहाँ पर भर्ती करके उसका इलाज करवाएंगे।